बैंगन की सब्जी आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, आप बार बार इसी तरीके से बनाओगे और जो बैंगन नहीं खाते हैं ना वो भी ये सब्जी उंगली चाट चाट कर खाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये मैंने लगभग 400 ग्राम छोटे वाले बैंगन ले लिए हैं। आप चाहें तो जो लंबे वाले बैंगन आते हैं वो भी ले सकते हैं सब्जी को बनाने के लिए। और इस तरह से कट करना है, जॉइंट छोड़ना है, जैसे आप भरवा बैंगन बनाने के लिए बैंगन को कट करते हैं। बैंगनों को मैंने पहले से ही धोकर अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है जिससे कि इनके ऊपर पानी ना रहे। सभी बैंगन कट करने के बाद ये पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे एक एक करके बैंगनों को। इन्हें हमें फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाएं और इनका कलर जो है वो अंदर हल्का गोल्डन ना आने लगे। बहुत ज़्यादा आप इनको ना फ्राई करें और बीच बीच में पलटते रहें। बैंगनों को मैंने फ्राई कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं किया है, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब निकाल लेंगे इन्हें अलग प्लेट में। बैंगन फ्राई हो गए हैं, अब मैं कुछ हरी मिर्च भी फ्राई करने वाली हूँ। तो हरी मिर्च में पहले इस तरह से चीरा लगा देंगे, उसके बाद ऑयल में डालेंगे फ्राई करने के लिए। इससे जो हरी मिर्च है वो ऑयल में फ्राई करते टाइम फटती नहीं है। बस हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा हरी मिर्च का, तभी इन्हें निकाल लेंगे ऑयल में से। अब शुरू करेंगे सब्जी बनाना। अब ये कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है, इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज पत्ते और एक टुकड़ा दालचीनी का, आधा छोटी चम्मच जीरा और एक पिंच हींग। भून लेंगे इन्हें थोड़ा सा। छः से सात कली लहसुन की और 1 इंच अदरक जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है डालकर अच्छे से भून लेंगे हल्का गोल्डन होने तक। प्याज डालेंगे कद्दूकस किया हुआ, ये मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया और प्याज को भी हल्का गोल्डन होने तक भून लेंगे। मसाले डालेंगे अब इसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच कुटी हुई सौंफ, आधा छोटी चम्मच लगभग गरम मसाला, अमचूर पाउडर आधा छोटी चम्मच। और भून लेंगे इन मसालों को कुछ सेकंड्स के लिए। ये मैंने 2 टमाटर को पीस कर डाला है इसमें, मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ में ही डाल देंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और भूनेंगे जब तक कि मसालों से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता। मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे से भून लिया है, अब इसमें डालेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग पानी। जैसी सब्जी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालें, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर पकाएंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर। अभी ये मसाला अच्छे से पक चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से मसाला। अब इसमें डाल देंगे जो बैंगन और हरी मिर्च हैं उन्हें थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर लगभग 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे जिससे कि बैंगन के अंदर भी मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छे से चला जाए। 3 से 4 मिनट के बाद ये तैयार हो गई बैंगन की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर, जैसे कि आपको देखने में ही पता लग रहा होगा भरवा बैंगन भी पसंद नहीं आएंगे आपको इस सब्जी के सामने, इतनी टेस्टी बनती है और बनाना कितना आसान है। बस लास्ट में इसमें डाल देंगे ये हरा धनिया। और ये जो बैंगन की सब्जी है ना, इसे आप 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिए, ये खराब बिल्कुल भी नहीं होती है। ट्राई जरूर करें इस सब्जी की रेसिपी को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।